नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट सबसे। तो आज जो हम डॉग ब्रीड दिखाने वाले हैं, बहुत ही सस्ता डॉग ब्रीड है। आप लोग के इच्छा अनुसार 4,000, 5,000, 6,000 ऐसा डिमांड रहता है मेरे पे, तो उसके हिसाब से वो डॉग ब्रीड है। आप लोग खुद देख कर डिसाइड करें कि 4,000 वाला है, 5,000 वाला है, है ना। तो पहले मैं आपको डॉग ब्रीड दिखाने वाला हूँ। आज जो हमारे क्लाइंट है वो भी काफ़ी दूर से आए, उनसे भी मिलाएंगे और डॉग से रिलेटेड जो भी उसको खाने पीने की चर्चा होगी वो सारा कुछ दिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा बॉम और इसकी क्वालिटी आप लोग देखें, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना होता है कि लैब्राडोर 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। तो ये चीज देख करके आप लोग डिसाइड करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका प्राइस रेंज क्या होना चाहिए और क्या इसका प्राइस रेंज है, आप लोग के हिसाब से आप लोग बताएं। बट मैं आपको एक छोटा क्लू देते चलूं कि ये अंडर 10 नहीं है ये बच्चा, और बच्चे की क्वालिटी आप लोग देख लें, बिल्कुल पंच फेस आपको ये बच्चा दिखेगा। और ये बच्चा अभी 35 डेज ओल्ड है, तो इसलिए इसके खाने पीने में क्या रखते हैं, 35 डेज ओल्ड को क्या देते हैं खाने पीने में, वो सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो पे। नमस्कार सर। सर नाम क्या है सर आपका? और आपका नाम क्या है? सौरभ। सर आप लोग कहाँ से हैं, एड्रेस क्या है आपका? बक्सर। इसको नीचे छोड़ दीजिए सर आराम से, ताकि ये वॉक करता रहे। बक्सर में सर कहाँ? बक्सर में नेहरू नगर मोहल्ला का नाम है, नेहरू नगर। अमीर भाई बिनल हॉस्पिटल। नंबर हमारा कहाँ से लिया था सर आपने? मतलब किसी के कंसल्ट से आपको नंबर मिला हमारा। चलिए धन्यवाद। तो अभी आपको जो डॉग दिखाया गया है वो फीमेल है, लैब्राडोर की फीमेल है, और इसके फादर बहादुर आपको जो पिक्चर में दिख रहा है ये उसका फादर है। तो चलिए सर से उनकी राय जानते हैं कि उनको किस तरह की क्वालिटी लगी, क्योंकि इनको मैंने बहुत सारा डॉग दिखाया था, 6, 8, 10 सब दिखाया था, इनको कोई नहीं पसंद आया। और लास्ट में सर ने पसंद किया ये डॉग ब्रीड, जो कि हमारे यहाँ काफी बढ़िया डॉग ब्रीड था, सबसे फिलहाल जो लो क्वालिटी वाले डॉग होते हैं लैब्राडोर के, सभी देखिए लैब्राडोर ही है, बट कुछ हो जाते हैं आपके पूरे लो क्वालिटी में, जिसके बोन का साइज, आपका हेड का साइज थोड़ा डाउन हो, और ये आपका थोड़ा हाई क्वालिटी में यह डॉग ब्रीड है। तो सर को पता नहीं कैसा लगा, सर से पूछते हैं, सर कैसा लगा सर हमारा डॉग जो आपने अभी परचेज किया है, जो हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं डॉग, ये कैसा लगा सर आपको? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाए गए सर, वीडियो दिखाए गए हैं, लास्ट में आपने इसको पसंद किया? लास्ट में मैंने पसंद किया, हम लोगों को अच्छा लगा। तो मतलब डॉग से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। इसके फादर को भी दिखाया गया सर आप लोग को, कैसा था उसका फादर? बहादुर। हाँ बहादुर, हाँ वो पिटबुल जैसा दिख रहा था। नहीं वो बहादुर नहीं, वो कॉपर था। कॉपर था। हाँ बहादुर आपको नीचे मैंने मिलाया है। ये बहादुर बहुत सही। तो इसका हाइट भी आपको अच्छा आएगा, फीमेल का हाइट सर थोड़ा सा आपका 20 से 22 इंच होता है, और इसका 22 से 24 इंच मेल का होता है, तो फीमेल का हाइट थोड़ा सा कम होता है मेल की अपेक्षा, बट अकॉर्डिंग टू आपके एक्सरसाइज खान पान के हिसाब से बढ़िया हेल्थ जा सकता है। लैब्राडोर तो बहुत ज्यादा फैटी होने का ऊपर से वरदान मिला हुआ है, आप कम भी कराएंगे बहुत ज्यादा हेल्थ इसका बढ़िया हो जाएगा। कि इसको फैमिली डॉग के क्यों कहा गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप सर, इसलिए क्योंकि ये सबके साथ घुल मिल जाते हैं, इसका इसके समझिए जीन में ही वो चीज है कि ये जल्दी एग्रेसिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन इसमें देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये आपका वॉच डॉग है, तो घर में जैसे ही कोई आता है तो आपको भौंक करके आपको संकेत दे देगा कि घर में कोई एंटर कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश करता है कि सामने वाले को डरा करके बाहर ही जाने दे, बट अटैक नहीं करते, ये किसी के साथ भी फ्रेंडली बहुत जल्दी हो जाता है। आप किसी भी डॉग के साथ आप कह लें या आपके आस पड़ोस कोई भी आते हैं उनके साथ बहुत जल्दी ये फ्रेंडली हो जाता है, इसलिए इसको बहुत अवॉइडेंट और फ्रेंडली मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड। डॉग के डाइट की बात करेंगे, उसके खान पान की बात करेंगे, कैसे उसको सुबह से शेड्यूल शुरू होता है और रात तक कैसे उसको मेंटेन करते हैं, वो सारा कुछ बात करने वाले हैं हम लोग। और सर आपका कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी होगा बीच में आप रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, बीच में अगर आपको कुछ लगे पूछने वाली बात तो आप पूछ सकते हैं।
देख सुबह उठते ही मतलब जो भी आपका टाइम टेबल है उठने का 7 बजे अगर मानकर चलते हैं, ठीक 7 बजे आप उठे, इसमें आपको पहले गर्म पानी 1.5 कप के आसपास इसमें डाल देना, ठीक है ना, वो अभी 5 दिन का तो 1 कप पीना पड़ेगा, 1 कप इसमें गर्म पानी आपको डाल देना, 1 कप गर्म पानी डालने के बाद इसमें से 10-15 दाना ऐसा निकालेंगे, डाल दिया आपने, इसमें से 1 चम्मच फूड निकाल करके इसमें डाल दिया, दूध जो है इसमें, इसके अंदर चम्मच है, इसी चम्मच से 1 चम्मच आपने दूध डाल दिया, और इसमें से 1 चम्मच गटवेल पाउडर है ना, ये इसमें डाल दिया आपने, तीनों डाल देने के बाद थोड़ा देर इसको 15-20 मिनट खुले पे छोड़ देंगे, उसके बाद हाथ से क्रश करके बस दे देना डॉग को, ये पूरा लिख करके खत्म कर देगा, ये आपका खत्म हो गया, इन तीनों के साथ खत्म। उसके बाद आपका 11 बजे का मील आता है दोपहर में, और जब आपका डॉग खाना खा लेगा उसके जस्ट बाद में ही आपको ये दवाएं जो है निकोटॉक्सिन मल्टीविटामिन वगैरह कैल्शियम ये तीनों दे देंगे, 5-5 मिनट के गैप पर तीनों दे देना, एक एक करके ब्रेकफास्ट के बाद, सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, आपने ये तीनों दे दिए, ये तीनों का भी काम खत्म, सुबह का काम खत्म हो गया। अब 11 बजे आप ये फूड जो होगा वैसे ही 15-20 दाना दे देना, उसमें थोड़ा सा आधा कप दही के आसपास इसको मिला करके दे देंगे, डॉग दही भी आराम से खा लेगा, है ना, और दही के साथ फूड मिला कर दे देंगे खा के खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका थर्ड टाइम आता है शाम के टाइम, तो शाम का टाइम आपका 4-5 बजे का लमसम मान लेते हैं, 4-5 बजे का लमसम आप एज अ स्नैक्स इसको छेना अंडा पनीर वगैरह दिया जा सकता है, ठीक है, वो तीनों दे देंगे, और ये आपका चुस्टिक का काम आ जाता है उसके दिन दोपहर के दिनचर्या में, खाना पीना खा लिया 1 घंटे बाद इसको दे देना है, ताकि आपके जूते वूते पे इधर उधर वार ना करें, वो लगा रहे इसमें दिन भर बैठ कर, ये दिन भर उसको चबाता रहेगा। ये दूसरा टाइम आपका 2 टाइम आप दे सकते हैं दिन भर में, शाम के खाने में भी दे सकते हैं, दिन दोपहर में भी दे सकते हैं, जब भी आपका उसको मन लगाने का मन करे तो आप उसको दे सकते हैं खाने के 1.5 घंटे बाद, है ना। आपका फिर शाम का मील आता है जिसमें छेना अंडा पनीर वगैरह दे सकते हैं, चिकन का सूप भी दे सकते हैं, ठंड आ रहा है उसको बहुत हेल्पफुल होता है, चिकन का सूप गर्म करता है तो उसके फायदेमंद होता है। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, अभी अक्टूबर चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ से आपको ठंड असर करेगा ही, तो उस समय डॉग को थोड़ा चिकन सूप वगैरह दे सकते हैं। भैया आप लोग बैठे ना, आप लोग बैठे, चिकन सूप वगैरह दे सकते हैं, वो कलेजी भी दे सकते हैं उसको खाने में। अभी से 10 दिन के बाद से ही स्टार्ट कीजिएगा, जब पहला वैक्सीन इसको 45 डेज पर पड़ जाएगा उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। वैक्सीन के बारे में भी डिटेल से बात होगी तो वो उसके लिए थोड़ा देर वेट कर ले, वैक्सीन के बारे में बताया जाएगा किस तरह से वैक्सीन वगैरह सारा कुछ करते हैं। तो फिर उसके बाद आपका 4 बजे आपने दे दिया नाश्ते में स्नैक्स के रूप में कुछ भी बिस्किट वगैरह हो गया, छेना हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, ये सारा कुछ शाम के टाइम में आपने दे दिया। उसके बाद आपका रात का मील जो होता है वो जैसे आपने सुबह दिया है वैसे ही शाम में भी दे दिया, जैसे आपने सुबह में 3 मिक्स किया था आपने इन तीनों को, ये दो और ये तीनों को मिक्स किया था, ये छोड़ करके बाकी ये दोनों को मिक्स करके आप दे देंगे रात के खाने में, है ना, जितना क्वांटिटी आपने सुबह दिया उतना ही रात में देंगे, नेक्स्ट डे से थोड़ा सा डोज बढ़ा देंगे। वो लूज मोशन या वोमिटिंग उस टाइप के कोई भी स्थिति में आप पहले मुझे फोन करेंगे, फोन करके मेरे से पूछ लेंगे ऐसा कुछ भी होता है तो, उसके बाद फिर उस सजेशन के हिसाब से डाइट आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके बाद आपका ये डिवॉर्मर का काम जो है पेट का कीड़ा का, जबकि ये सबसे खास है और इसके बारे में सब लोग को जानना जरूरी है, और आप लोग भी जान लें कि मतलब डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं ताकि आपके डॉग को, क्योंकि ये लाइफ टाइम पड़ने वाला दवा है और अभी तो ये सिरप फॉर्म में है, फ्यूचर में टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये इसका दवा का सर अभी जैसे लमसम 12 दिन हो गया उसको डिवॉर्मिंग किए हुए, ठीक है, 10-12 दिन हो गए, तो अभी आप जब घर पे ले जाएंगे तो घर पे ले जाने के बाद 2 दिन लिवर टॉनिक मल्टीविटामिन वगैरह चलेगा, उसके 3रे दिन आपको ये पेट का कीड़ा का दवा दे देना है, फिर उसके 15 दिन के बाद से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, हर 15 दिन पे पड़ेगा, जैसे आपको अब फर्स्ट टाइम में आपने जैसे दिया लिवर टॉनिक चलाने के बाद उसी तरह हर बार लिवर टॉनिक चलाने के बाद आप इसको दे सकते हैं। वो कैसे देने का प्रक्रिया है वो मैं बताता हूँ, सुबह आप खाली पेट में देंगे उसके 4 घंटे के बाद खाना देंगे, ठीक है ना, सुबह आपने खाली पेट इसको दे दिया, जितना केजी का है उतना एमएल पड़ेगा, अगर मान के चलिए आपका डॉग 2 केजी का है तो 2 एमएल, 5 केजी का 5 एमएल, 10 केजी का तो 10 एमएल, है ना, जितना आपका डॉग होगा उसको पहले वेट कराना पड़ेगा, आप घर में आसपास में किसी के यहाँ के जाकर तराजू बटखारे पर रख सकते हैं, वेट करा लीजिएगा,
क्योंकि उससे ना आपको प्रॉपर डॉग डोज मिलेगा, क्योंकि इससे कम होगा असर नहीं करेगा, ज्यादा होगा तो डॉग का भूख भी जा सकता है। आप अंदाज से अगर देते हैं तो, अगर आपका अंदाज आपको लगता है कि प्रॉपर है तो उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। अदरवाइज मेरा सलाह यही रहेगा कि आप उसका पहले डॉग का वेट करा लें, वेट कराने के बाद पता चलेगा मेरा 5 kg का डॉग तो 5 वाला दे दिया, 5.5 kg से ऊपर तो 6 ml देना, 6 kg से कम है 5.5 kg से ऊपर है तो आपको इधर कुछ पूछना तो चाह रहे के जी के अनुसार पर के जी 1 ml पर के जी 4 kg का है तो 4 ml में, 5 kg का तो 5 ml में, उस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने घर में वेट मशीन होता है ना अपना, आप तो आपको ऐसे शोल्डर पर रख लेंगे, शोल्डर पर रख के पहले अपना वेट कर लेंगे, अगर 55 kg शोल्डर पर रख करके फिर आप डॉग के साथ वेट कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको डॉग ये पेट में वॉर्म्स हो जाता है और वो लाइफ टाइम इसमें वॉर्म्स ऑटोमेटिक बनते हैं। नहीं वो कीड़ा सर, कीड़ा पेट में जो हम लोग के भी होते हैं वॉर्म्स सर, कुछ फायदेमंद होता है कुछ नुकसानदायक होता है, बट वॉर्म्स सभी के पेट में होते हैं, तो इसमें जो उसको नुकसान करने वाले बॉम्ब्स हैं उसके लिए दबाव से वो निकल जाता है पॉटी के रास्ते में, वो पॉटी जब करेगा तो निकल जाएगा। तो ये आपका डिवॉर्मिंग का प्रक्रिया पूरा, उसके बाद आपका सेकंड लास्ट जो कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण है वो वैक्सीन का प्रक्रिया। तो अभी आप जो डॉग ले जा रहे हैं वो 35 days है अप्रॉक्स है, तो जब ये 45 days का होगा आपका 10 days अप्रॉक्सिमेट मान लीजिए, तो 10 दिन के बाद यानी कि 45 दिन का जब भी आपका कोई भी नया न्यू बॉर्न पपी जब 45 डेज का होता है तो पहला उसको वैक्सीन पड़ेगा, और उससे पहले एक वैक्सीन पड़ता है जिसको पपी डीपी कहते हैं, वो आपका 30 डेज से पहले पड़ता है। उसके बाद आपको जो बीमारी से लड़ने वाला होता है वो आपका 9-in-1 का इंजेक्शन हो गया या 7-in-1 हो गया, वो सारा इंजेक्शन पड़ता है। तो आपको अभी 9-in-1 दिलवा लीजिए बेस्ट रहेगा, ऐसा 7-in-1 भी दिलवा सकते हैं। तो एक जो भी वैक्सीन पड़ेगा उसका बूस्टर रिपीट किया जाता है 21 days का, तो कुछ लोग 7-1 ऐसे नियम के हिसाब से 7-in-1 दिलाना चाहिए, उसके बाद फिर 9-in-1 दिलाना चाहिए, है ना। उसके बाद एक ऑल इन वन भी आता है लेकिन जो यहाँ पटना में अवेलेबल नहीं रहता है बेसिकली, तो आप 7-in-1 दिलवा सकते हैं, 9-in-1 दिलवा सकते हैं, दोनों से कुछ वो 7-in-1 7 बीमारी के लिए होता है, 9-in-1 9 बीमारी के लिए होता है। तो आप 45 days पर पहला वैक्सीन दिलवा लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर 21 दिन के बाद फिर उसी को रिपीट कराएंगे, उसको बूस्टर बोल के उसी को रिपीट करा लेंगे 21 दिन के बाद। फिर उसके बाद जब आपका डॉग 90 डेज के अप्रॉक्स हो जाता है और आपने लास्ट वैक्सीन 1 week पहले दिया हो, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको रेबीज पड़ेगा, यानी आपके लास्ट वैक्सीन दिए हुए 1 week होना चाहिए तब आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेना। तो रेबीज का इंजेक्शन लगा लिया आपका पूरा डोज कंप्लीट, उसके बाद आप नेक्स्ट 6 months पर रिपीट कराते हैं रेबीज, अदरवाइज कुछ लोग 1 year पर कराते हैं, बट बिकॉज ये अपने सेफ्टी पर्पज से होता है, डॉग को भी रेबीज ना हो आपने भी रेबीज ना हो, तो उसके लिए आप इसको आराम से 6 months पर दिलाएं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बोलते हैं सर, वो अलग अलग कंपनियों का आता है सर, कहीं भी अवेलेबल है सर, कहीं भी अवेलेबल नहीं अवेलेबल होता है तो हमारे पास से भी लोग जाते हैं, बट कॉस्टली आपको पड़ जाएगा क्योंकि 1200-1500 रुपए ले जाने वाला आदमी ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको सर आइस पैक जाता है, आइस पैक में जाना, हाँ तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके पास वैसा इक्विपमेंट है कि जिसमें आप वैक्सीन लेकर जा सकते हैं तो बिल्कुल लेकर जा सकते हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए तो अगर आप लोगों को जैसा भी लगा डॉग की क्वालिटी या हमारा जो कुछ भी बताया गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जो बिल्कुल नए हैं चैनल पे मेरी वीडियोस पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, और हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आपका Instagram ID Facebook ID सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से नंबर हमारा लोकेशन सारा कुछ देख सकते हैं। जिनको डॉग चाहिए वो डायरेक्ट कॉल करें, मैसेज चैट बिल्कुल ना करें। और भैया आप लोग को जो भी हमारा एक्सपीरियंस लगा तो भी हमारे साथ रह करके उसके बारे में जो भी आप हमारे व्यूवर्स से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। और डॉग की क्वालिटी से सब लोग वैसे सेटिस्फाइड है, उसका जो ब्रीड है काफी पसंद आया है।
और हमारा जो कैनल वगैरह आपने देखा सर, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो बिल्कुल, हमारे हमारे कैनल के बारे में। हाँ, वो तो बहुत तगड़ा है देखने में, क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत सारे डॉग ब्रीड भी देखा आपने। हाँ, वो सब के बारे में बताएं कि आपको कलेक्शन कैसा लगा हमारा। कलेक्शन बहुत अच्छा है, दिखने में सभी बहुत स्ट्रेंथ वाइज बहुत वो मतलब बल्कि टाइप काफी, हाँ काफी हेल्दी, कोई पतला दुबला डॉग हमारे पास नहीं रहता। सर आपको क्या कहना है सर, हमारा रेड वेड सब कुछ सही लग रहा है सर, आपको कोई तरह की दिक्कत तो नहीं, तो हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहिए, यहाँ पे आके परचेस करना चाहिए डॉग या नहीं करना चाहिए? हम करना चाहिए। आप करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए सर, कुछ प्लस पॉइंट तो बताएं हमारे। इसलिए कि आपका जो है इस आपका जो बेस है या आपका जो जितने डॉग रखे हैं उसका क्वांटिटी जो है कुछ अदर मार्केट से हट करके है। धन्यवाद।